हमारा हक लेकर रहेंगे राष्ट्रीय फूल ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक को आने पर किया गया भव्य स्वागत। सैनिक सभा भवन में दो राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश चंद्र सैनी का किया गया भव्य स्वागत। स्वागत समारोह कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य रहे उपस्थित। कोटपुतली राष्ट्रीय फूल ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश चंद्र सैनी के आगमन पर सैनिक सभा भवन में 2 मई जयपुर ग्रामीण प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार महेश सैनी के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 25 फरवरी को साईवाड़ शाहपुरा से जयपुर विधानसभा घेराव को लेकर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय फूल ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक चंद्रप्रकाश सैनी ने विधानसभा घेराव को लेकर बताया कि 6 मांगों को लेकर विधानसभा घेराव किया जा रहा है, जिसमें मुख्यंत फूले दंपति को भारत रत्न देने की मांग, सरकार द्वारा फूले फाउंडेशन का निर्माण, सैनी समाज को 12% आरक्षण देने की मांग, फूले रेजिमेंट और सैनिक रेजिमेंट का पूर्ण गठन, प्रत्येक शहर में सब्जी वालों के लिए स्थायी जगह चिन्हित करके स्थान सैनी समाज पर अत्याचार करने वालों को तुरंत जेल भेजने वाले एक्ट का निर्माण मांगों को लेकर विधानसभा घेराव की रणनीति तय की गई है। कोटपुतली आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। 25 तारीख को हम विधानसभा घेराव कर रहे हैं, उनको लेकर यहाँ नुक्कड़ सभा है। युवाओं के बीच, साथियों के बीच उनसे उनका जन आशीर्वाद लेने, जन समर्थन लेने में, और यहाँ मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे लिए बहुत खुशी है। अभी हमारी रणनीति है 7 मांगे हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है, ना हमारी किसी जाति से लड़ाई है और ना ही हमारा कोई धर्म से लड़ाई है। हमें तो हमारे हक, उन हकों को लेने के लिए आज हम विधानसभा कूच कर रहे हैं, रहेंगे। सरकार वो कैसे देती है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो हमारे अधिकार चाहिए। वो प्यार से दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम दूसरा रास्ता भी अपनाना जानते हैं।